वीट, कैरेट, बीटरूट या पोटैटो, आप इन सारी चीजों का, लगभग सारी चीजों का आज के इस फार्म में आप लगा सकते हो, यानी कि उगा सकते हो। चाहे आप वीट लगाओ या कैरेट लगाओ या बीटरूट लगाओ या फिर आप चाहे तो पोटैटो ही क्यों ना लगाओ, आप उन सारी चीजों का आज के इस फार्म में उगा सकते हो और एक झटके में उन सारी चीजों को कलेक्ट भी कर पाओगे। और गाइस बता दूं कि इस फार्म में ना ही तो ऑब्जर्वर का यूज होगा और ना ही डिस्पेंसर का यूज होगा, बस जो भी होगा वो होगा पूरे सिंपल मेथड के जरिए होगा। तो इसलिए वीडियो बहुत सिंपल और बहुत शानदार होने वाली है और बहुत हेल्पफुल भी होने वाली है। तो इसलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप जब भी समझ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। चलो दोस्तों, माय नेम इज डार्कज़िला न्यू एजेंट डार्कज़िला गेमिंग। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ओके, तो इस फार्म को बनाने के लिए जो सामग्री की जरूरत होगी वो आपकी स्क्रीन पर, आप चाहो तो एक बार पॉज करके देख सकते हो। ओके, तो चलो अभी से बनाते। तो सबसे पहले आपको चूज कर लेना है एक फ्लैट एरिया, उसके बाद कोई भी आप जो चाहे सॉलिड ब्लॉक का यूज कर सकते हो, तो सॉलिड ब्लॉक लो और चार ब्लॉक्स ऐसे रखना है और फिर सिक्स ब्लॉक्स ऐसे ऐड कर लेना है, यानी बीच में छह ब्लॉक्स का हमारा जो फार्म है वो बनने वाला है। फिर सभी ब्लॉक्स को चार ब्लॉक्स हाई बना देना है, उसके बाद इन दो साइड पे चार ब्लॉक्स हाई पिलर और फिर यहाँ एक दो तीन चार और यहाँ भी एक दो तीन चार और फिर इसको कर देना आपस में कनेक्ट। और फिर अब लेना है स्टिकी पिस्टन और उसे ठीक ऐसे लगाना है। ध्यान रहे कि सभी स्टिकी पिस्टन का डायरेक्शन नीचे की ओर हो और फिर ऐड कर लेना है ऐसे सॉलिड ब्लॉक को, जस्ट लाइक दिस। तो फिलहाल इसे ऑफ रखने के लिए ऐसे रखो रेडस्टोन डस्ट और फिर यहाँ लीवर और उसे कर दो ऑफ। उसके बाद इस ब्लॉक पे ऐड कर लेना है सॉलिड ब्लॉक का एक लेयर, फिर ऐसे करके ब्लॉक्स को रखते जाना है, जस्ट लाइक दिस। फिर इसे करो डाउन और सिंपली यहाँ पे डाल देना है पानी को, फिर करो यहाँ से ब्लॉक से इसे कनेक्ट। ओके, फिर आ जाओ फार्म के इस साइड पे। तो इस लेयर पे है पानी, तो हमें ठीक इसके एक ब्लॉक नीचे रखना है डर्ट को। तो अब डर्ट का पहला प्लेटफॉर्म होगा पांच ब्लॉक्स का, दूसरा प्लेटफॉर्म होगा सेवन ब्लॉक्स का और तीसरा प्लेटफॉर्म होगा एट ब्लॉक्स का, तभी सारे प्लेटफॉर्म्स में पानी बहेगा। ओके, तो अभी कर लेना है डर्ट से, हमें तीनों प्लेटफॉर्म्स को डर्ट से फिल कर लेना है, जो हो जाने पर का जैसा ही दिखेगा। ओके, तो अब लेना है फिर से सॉलिड ब्लॉक को और फिर फार्म के दोनों साइड को सॉलिड ब्लॉक से कवर कर देना है और इस फार्म को आप अपने हिसाब से डिजाइन भी कर सकते हो। ओके, तो ये हो जाने के बाद यहाँ पर रखो डबल चेस्ट और दो हॉपर को ऐसे लगाओ जो चेस्ट से जुड़ा होगा और बाकी हॉपर को ऐसे लगाओ जो उन दो हॉपर से जुड़ा होगा। उसके बाद मिडल के डर्ट को हटाओ और लगाओ स्टेयर और फिर डालो पानी, यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम वही मेथड। और फिर अब लेना है हो और हो लेके सारे डर्ट को एक जैसा छिल देना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो अब लेना है रेडस्टोन डस्ट और ऐसे उसे छिड़कते जाना है, फिर यहाँ एक रेडस्टोन रिपीटर लगाओ जिसका डायरेक्शन फार्म के बैक साइड की ओर होगा और फिर से यहाँ पर रेडस्टोन डस्ट और फिर से यहाँ पर रेडस्टोन रिपीटर और फिर से यहाँ पर रेडस्टोन डस्टर रख देना है और फिर यहाँ पे लगाना है एक लीवर और उसे सिंपली कर देना है ऑन। तो जब तक पिछला वाला लीवर को नहीं हटाओगे तब तक ये लीवर कुछ काम का नहीं है। तो सबसे पहले पुराने वाले लीवर को हटा देना है, तभी ये लीवर काम में आएगा। ओके, तो आप सिंपली यहाँ पे लेना है ग्लास को, आप कोई भी कलर का ग्लास ले सकते हो, तो ग्लास को ले लो और उसे सिंपली यहाँ पे रख देना है। तो आप देख पाओगे यहाँ से फार्म के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अब इस साइड पे आके एक डोरवे भी बना लेना है क्योंकि सारी चीजें पानी से कट तो हो जाएगा और आपके पास आ भी जाएगा, बट उसके बाद सबको फिर से लगाना होगा ताकि वो फिर से उग सके, तो इसलिए ये रास्ता एकदम परफेक्ट है। ओके, तो अब इस फार्म में आप वीट, कैरेट, बीटरूट और पोटैटो को उगा सकते हो। और हाँ गाइस, यहाँ मेलन और पंपकिन मत उगाना क्योंकि उसका इस फार्म में कोई काम नहीं होने वाला। तो आप चाहो तो इस फार्म को और भी बड़ा यानी कि एक्सटेंड भी कर सकते हो जिससे आप और भी ज्यादा फसल उगा सको। ओके, तो हमने फसल तो उगा दिया है बट ये उगने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट तब तक के लिए आप आ जाओ फार्म के बैक साइड पे और यहाँ पे कोई भी ग्लासेस को ऐसे रखो ताकि ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो आप अपने हिसाब से इस फार्म को अगर डिजाइन करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पे लाइट ऑफ करना जरूरी है ताकि यहाँ पे कोई मॉब स्पॉन ना हो सके।
ओके, तो जब सारे के सारे एक बार बड़ा हो जाए तो सिंपली आप इस लीवर को ऊपर कर दो तो ये फार्म अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तो देख सकते हो पानी अपना काम कर रहा है, तो पानी की वजह से सारी की सारी फसल जो है वो कट होके आ रहा है और यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप सिंपली उसे कलेक्ट कर पाओगे। ओके, तो अब इसे करो डाउन तो पानी हो जाएगा गायब और फिर दोबारा फसल को उगा सकते हो। तो एक बार फिर जब सारे के सारे फसल बड़ा हो जाए तो फिर से लीवर को करना ऊपर की ओर, तो फिर से आप वो कट हो जाएगा और आप उसे कलेक्ट कर पाओगे। तो ऐसे ये फार्म काम करता है। तो आप भी इसे बना सकते हो और पा सकते हो ढेर सारी व्हीट, कैरेट, बीटरूट और पोटेटो। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बोला, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना मत भूलना, ताकि हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलती रहे, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर दो। और भी अगर आपको मेरे माइनक्राफ्ट के ट्यूटोरियल्स देखना है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मैंने सारे के सारे लिंक्स दे दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो मैं एक दिन बाद ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। तो बस फिलहाल के लिए आज इतना ही, मैं मिलता हूं एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।